बरेली के क्योल्डिया में ग्राम प्रधान की शिकायत पर गांव में जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हारे हुए प्रत्याशी और उसके परिजनों ने हमला बोल दिया। इन लोगों ने जमकर दरोगा और सिपाही की पिटाई की और उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए, जिसके बाद सूचना मिलने पर थाने से फोर्स गांव पहुंची और आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। दरअसल क्योल्डिया थाना क्षेत्र के गांव सिठौरा के रहने वाली तुलाराम यहां की प्रधान है। उन्होंने अवैध क्लिनिक संचालित करने वाले हरपाल को चुनावों में हराया था, जिससे वो तुलाराम से रंजिश मानता था। तुलाराम का आरोप है कि वो आए दिन उनसे अभद्रता करता है और जान से मारने की धमकी देता है, जिससे परेशान होकर उन्होंने थाने में तहरीर दायर की है। आज दिनांक 18 जून 2021 को थाना क्योल्डिया के ग्राम सिठौरा में वहां के प्रधान के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी को दिया था, जिसकी जांच करने के लिए उप निरीक्षक गाँव में गए हुए थे, जहां पर जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति के द्वारा उप निरीक्षक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस संदर्भ में थाना क्योल्डिया पर अभद्र व्यवहार करने के संदर्भ में आरोपी हरपाल के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति हरपाल को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच करने कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार और दारोगा सुनील कुमार पहुंचे और आरोपियों को साथ चलने के लिए कहा, जिससे आरोपियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद सुनील कुमार ने सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने और मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ दारोगा सुनील कुमार और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। गांव में हालात अभी फिलहाल काबू में है। बरेली से न्यूज़ के लिए विकल्प कुदेशिया की रिपोर्ट।